प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म में आज हम मृदा के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिट्टी या मृदा का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म उसका रंग है। अनेक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मिट्टी को यह रंग मिलता है। जमीन के पृष्ठभाग की मिट्टी का रंग उसके नीचे वाली सतह की तुलना में गाढ़ा होता है। मिट्टी अलग अलग रंग की होती है, जैसे काली, लाल, ताम्रवर्णी, पीली, गीली। मिट्टी के रंग और गठन के आधार पर मिट्टी की उर्वरकता, पानी का निकास, पानी रोककर रखने की क्षमता जैसी अनेक बातें स्पष्ट होती हैं। मृदा का रंग उसके गठन, जैविक घटकों तथा लौह, चूना जैसे रासायनिक घटकों पर निर्भर करता है। मृदा का गठन मिट्टी के विभिन्न आकार के कणों के अनुपात के अनुसार मिट्टी का गठन किया जाता है। बनावट के अनुसार मिट्टी के प्रकार बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी में बालू तथा मोटे कणों का अनुपात अधिक होता है। इसमें से पानी की निकासी जल्दी होती है। ऐसी मृदा मशक्कत के लिए आसान होती है। बलुई मिट्टी के कण सिलिकॉन डाइऑक्साइड नामक खनिज से बने होते हैं। वे पानी में नहीं घुलते, इस कारण मिट्टी की पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की क्षमता बहुत कम होती है। दोमट मिट्टी, इस मिट्टी के कणों का आकार मध्यम होता है। दोमट मिट्टी युक्त जमीन बलुई जमीन की तरह मशक्कत के लिए आसान नहीं होती है, साथ ही इसमें पानी धारण करने की क्षमता बलुई मिट्टी से अधिक होती है, लेकिन चिकनी मिट्टी की तरह मशक्कत के लिए कठिन भी नहीं होती है। इस मिट्टी में जैविक घटक अधिक मात्रा में होते हैं। इस मिट्टी की पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस मिट्टी को गाद मृदा भी कहते हैं। चिकनी मिट्टी, इस मिट्टी में मिट्टी के सूक्ष्म आकार वाले कण सबसे अधिक होते हैं, इसलिए चिकनी मिट्टी को भारी अथवा मशक्कत के लिए कठिन मिट्टी कहा जाता है। चिकनी मिट्टी के कण स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। चिकनी मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मिट्टी की रचना, मिट्टी के कणों की रचना के अनुसार स्तरीय, कण स्वरूप, स्तंभाकार और ढेले के स्वरूप में मिट्टी की रचना पाई जाती है। मृदा रचना का महत्व, मृदा की रचना पर जमीन की उर्वरकता निर्भर होती है। अच्छी मृदा से वृक्षों की जड़ों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। पानी की अच्छी निकासी के कारण वनस्पतियों की जड़ों की योग्य वृद्धि होती है। मृदा के उपयोग, वनस्पति संवर्धन, जल संधारण। मिट्टी पानी को धारण करके रखती है, इस कारण बांध, तालाब के माध्यम से
हम पानी को 12 माह उपयोग कर सकते हैं। आकार्यता, मिट्टी को हम जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं। मिट्टी के इस गुणधर्म को मिट्टी की आकार्यता कहते हैं। इस गुणधर्म के कारण हम मिट्टी से विभिन्न आकार की वस्तुएं तैयार करते हैं। इन वस्तुओं को तपाकर कठोर बनाया जाता है। उदाहरणात मटकी, मटके, मिट्टी के दिए, मूर्तियां इत्यादि। उपयुक्त मृदा के कुछ प्रकार। चीनी मिट्टी, यह श्वेत रंग की होती है। इस मिट्टी से प्लेट, प्यालियां, स्नान घर की टाइलें, टंकियां तथा प्रयोगशाला के उपकरण, मुखौटे, बर्नी आदि बनाए जाते हैं। खड़िया मिट्टी, यह भूरी रंग की होती है। इससे पुतले और मूर्तियां तैयार करते हैं। महाराष्ट्र में इसे साड़ू मिट्टी कहा जाता है। टेराकोटा मृदा, इस मिट्टी से गमले, सजावट की वस्तुएं बनाई जाती है। मुल्तानी मिट्टी, सौंदर्य प्रसाधनों में मुल्तानी मिट्टी का उपयोग होता है।